शब महराज के कॉन्टेक्स्ट में हम दो तीन जगहों पे हमने विजिट की और शब भी किया जाता है, उसमें से आज यहाँ पे भी हम आए जहाँ में जो भी मौके पे इन्होंने इश्यूज रेज किए हैं, चाहे वो सफाई का हो गया, बिजली का हो गया, ट्रांसफार्मर का हो गया, वो सारे हमने डिस्कस भी किए और एक बारी जो सेक्रेटरी हैं यहाँ के और जो यहाँ की इंतज़ामिया है उससे भी बात की कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो भी इनको सपोर्ट चाहिए होगी, जैसे टॉयलेट्स का भी कुछ रेज किया था इशू, वो भी कराया जाएगा ताकि ये अच्छी तरीके से शब महराज को की शब की जाए। इसीलिए हमने सारे जितने भी ऑफिसर्स हैं अपने डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के उनको भी लाया और उनको भी मौके पर ही डाले। नजर गुजर होनी चाहिए और क्या हो सकता है, बाकी हाँ होने वाली है उस पर इंतजाम जरूरी है, उस पर लोगों का ज़्यादा उसमें क्या चल रहा है, एक बार तो मैं साफ करवा दूंगी यो साहब, एक तो सफाई का एक कनेक्ट कर देंगे विदिन ए मंथ पीरियड, वो मैं हो सकता है। आप इसमें थोड़ा कुछ तली क्योंकि यहाँ पर इतने लोगों की कॉन्क्रीशन है और कल का तो काफी लेट हो गए ना, तो बेसिकली बाद में डिसाइड हो गए कि हम इसको ड्रेसिंग जो नया बन गया वहाँ से फीड करेंगे। ओके ओके मैं कर दूंगा। एक दिन आप कोशिश कीजिए कि ये विदिन नो डेज हो जाए, ठीक है ना, आप ये बोले महीना वो ये नहीं, नहीं नहीं उससे पहले ट्राई की महीने के अंदर अंदर ही हो जाए, आप रोजे भी आने वाले, रमजान भी आने वाला है, उससे पहले हो। ईशा थोड़ा लेट ही होता है, मगरिब से लेके ईशा का प्रोग्राम प्रोग्राम होता है तो लोगों का ज्यादा रश रहता है, फिर यहाँ से इख्तिताम के बाद सीधे दरगाह आ जाते हैं, आपको वही शेबेदारी दादा माँ कर उसमें ये दरगाह आलिया से यहाँ से गुरुद्वारा ये और दरगाह आलिया और तलपति मंदिर ये चार है, वो है लेकिन वो लाइन अभी कंप्लीट नहीं है, इस लाइन में डाली हुई है, सब डाली है, उसको कहा गया है क्योंकि बिल्डिंग के साथ आता है, प्रशासन एक दिन को कहा गया था कि ये रिप्लेस कीजिए वहाँ से सफाई तो कर रहे थे, हमें तो चल रहा है, अंदर फिटिंग चल रही है, वायरिंग नहीं चल रही है नई तरह से, तो इस वजह से कर रहा है। अब नीचे आजकल तो अब सर्दी है ना, सर्दी में थोड़ा कम हो जाता है हुजान, ऊपर नीचे होता है, अल्टरनेट मगर हर एक को हर एक के घर में नहीं जाते, हर एक के घर में नहीं, हर एक घर आपने भी उनको ये बताना है कि ये कुछ घर वाले देते ही नहीं है, घर वो भी देनी है ना, अभी ये 100% हमने करना है घर से सिलेक्शन, ये इसमें नहीं डालनी, नालों में नहीं डालनी, इससे आप भी का ये देखो कुत्ते भी इसी से आते हैं, वही तो हर एक चीज़ है, एक बार तो मैं साफ करवा दूंगी, यो साहब एक तो सफाई का एक अभियान यहाँ